नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट झेल रही येस बैंक में अचानक से उछाल देखने को मिला है। ये उछाल आया क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण तो हम आपको बताएंगे, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक के लिए अब क्या गिरावट का दौर खत्म हो चुका है और ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई जो कि करीब 32 रुपए के लेवल पर था वापस वहां जाने के लिए तैयार है या फिर नहीं है और क्या आगे का रास्ता हो सकता है। तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। तो आखिर स्टॉक में तेज़ी क्यों आई है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स छपी हैं। देखिए, सबसे पहले एसेट के हिसाब से देखें तो देश का छठा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक येस बैंक नए प्रमोटर्स की तलाश कर रहा है। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक 8 से 9 बिलियन डॉलर के लक्ष्य के वैल्यूएशन के लिए अपनी 51% हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रहा है, जो कि इसके मौजूदा बाजार के वैल्यूएशन से, जो मौजूदा बाजार के वैल्यूएशन कितना है 7.2 बिलियन डॉलर, और उससे काफ़ी ज़्यादा है। अभी मौजूदा वैल्यूएशन 7.2 बिलियन डॉलर है और यहाँ पर जो है जो रिपोर्ट छप रही है, जो लक्ष्य रखा गया है वो 8 से 9 बिलियन डॉलर के आसपास रखा गया है उसकी हिस्सेदारी का, 51% हिस्सेदारी का। तो इसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है। संभावित खरीदार के सर्च को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए सिटी ग्रुप की भारत की जो इकाई है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। येस बैंक ने इस कोशिश में भाग लेने के लिए मौजूदा शेयरधारकों समेत अलग अलग भारतीय लेंडर्स यानी कि जो ऋणदाता हैं उनको इनविटेशन दिया है। येस बैंक में कम से कम 51% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए जापान, पश्चिम एशिया और यूरोप के बैंकों और साथ ही वित्तीय संस्थानों के साथ चर्चा शुरू कर दी गई है। हालांकि 26% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाले किसी भी नए प्रमोटर को केंद्रीय बैंक के नियमों के मुताबिक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से स्पेशल अप्रूवल लेना होगा। अब बात करते हैं संभावित हिस्सेदारी बिक्री कौन कर सकता है, यहाँ पे कौन कौन कर रहा है, यहाँ पर जो कि मीडिया में रिपोर्ट्स छप रही हैं उसके हवाले से हम लोग आपको बता रहे हैं। तो यानी कि कौन कौन से जो शेयर होल्डर्स हैं जो एग्जिट हो सकते हैं, इसमें भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी LIC, HDFC बैंक लिमिटेड और ICICI बैंक जैसे प्रमुख शेयरधारक के बड़े नाम यहाँ पर शामिल हैं जो कि अपना हिस्सा बेच सकते हैं। और जिन्होंने, मैं आपको बता दूँ, 2020 में यही सब थे जिन्होंने येस बैंक को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था जब ये अपने पिछले मैनेजमेंट के तहत कोलैप्स यानी कि जो पतन का सामना कर रहा था। उसके बाद 2020 में ये सब प्रमोटर्स थे जिन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसमें SBI का सबसे बड़ा नाम शामिल हुआ था क्योंकि SBI 29% की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक है। इसलिए उसमें जो भी उसके जरिए जो भी नियुक्त इन्वेस्टर्स होंगे उनको ये बैंकर्स की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आने वाले जो भी नया प्रमोटर होगा उसको रोज़ाना के हिसाब से मैनेजमेंट की सभी प्रक्रियाओं में एकदम स्पष्टता सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही 51% ओनरशिप से जुड़ी हर एक जानकारी पूरी की पूरी दी जाएगी। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आखिर येस बैंक के स्टॉक में करना क्या है, क्या ये 52 वीक हाई के उस लेवल पे वापस पहुँच सकता है या नहीं पहुँच सकता है। इसके लिए हमने बात करी मार्केट एक्सपर्ट से, सुनिए उनका क्या कहना है। डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में येस बैंक जो है, वैसे मतलब उसकी इक्विटी इतनी बड़ी है कि वहां पे वो जो सर्टन लेवल है वो इजीली क्रॉस नहीं हो रहे हैं, बट सर्टनली बुक्स जो है काफी इंप्रूवमेंट हो गई है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो हमारा व्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव बना हुआ है कि यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ आउटकम आए। और ये जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है, हाँ, इतना वो नहीं है कि भाई एक ही दिन में होने वाली है, बट यस पॉजिटिव है न्यूज भी। अगर कोई नया प्रमोटर ढूंढ रहे हैं और मिल जाता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। और आने वाले दिन में अगर ये जो 132 का लेवल जो अर्लियर बताया था वो अगर क्रॉस कर लेता है 35-37 का लेवल दिखाता है तो हम इसमें इसके अंदर 45 से 48 तक के लेवल भी देख सकते हैं। पॉजिटिव व्यू है ओवरऑल। बुक्स जो है डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं एनपीए साइड में, बाकी सारे साइड में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो सारे इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं और मैनेजमेंट भी उसको काफी कुछ अच्छा उसमें इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो बाकी जो चीजें हैं सब्सिडाइज लेवल पे वो भी कहीं ना कहीं पे सुधर रही है। तो यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक है ये लेवल पे, मतलब इन्वेस्टर के हिसाब से इन्वेस्टेड रह सकते हैं और आगे भी फ्यूचर थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पर ओझा जी का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, इस बैंक के पर अगर 32-33-35 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें इसे 48 के लेवल पर भी जाते हुए देख सकता है ये स्टॉक। और उन्होंने बोला है कि अभी तो प्रमोटर्स में यहाँ पे तलाश जारी है, हालांकि एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें लंबा प्रोसेस लगेगा, लेकिन ये जो है
इसको बाजार जो है पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पर ले रहा है और इसी का असर यहाँ पे स्टॉक के तौर पर तेजी के तौर पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ओनरशिप में जो बदलाव हुआ उसके बाद से येस बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है। इसके जो डिपॉजिट बेस है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और साथ ही जो सुरक्षित लेंडर प्रैक्टिस है उसमें भी बड़े बदलाव हुए हैं। और यही चीज़ जो है हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी कह रहे थे। अगर आप स्टॉक की चाल देखें पिछले अगर 5 दिन की बात की जाए यहाँ पर तो करीब करीब 6% की स्टॉक में गिरावट आई, और 1 महीने की बात की जाए तो करीब करीब यहाँ पे 22% का यहाँ पे जो निवेशक हैं वो नुकसान उठा चुके हैं, जो कि 52 वीक हाई 32 का जो लेवल था उसके बाद से हम लोग लगातार इसमें गिरावट देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर ईयर टू डेट की बात की जाए तो करीब करीब 1.5% की यहाँ पे गिरावट है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि येस बैंक में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, जो बेसिकली बैंक है नए प्रमोटर्स की तलाश कर रहा है। तो ये कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।